यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का ऐसा आंधी चला है कि बड़े बड़े सुरमाओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं यूपी के इस चुनावी नतीजों में कई लोगों की निगाहें बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना गौतम पर थी, लेकिन इस चुनाव में बिकनी गर्ल का जादू भी नहीं चल पाया। यूपी के चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया था, लेकिन अधिकांश महिलाओं का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस की एक कैंडिडेट जो बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर है, उन्हें तो मात्र 1519 वोट मिले हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने हस्तिनापुर विधानसभा सीट से बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को चुनावी मैदान में उतारा था, मगर उनका परफॉर्मेंस बेहद निराशाजनक रहा और वो चुनाव हार गई। वहीं हस्तिनापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के दिनेश खटीक ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा रहे। वहीं बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को कुल 1519 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के दिनेश खटीक को 1,07,000 वोट मिले और दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा के खाते में 1,02,75 वोट आए। अर्चना गौतम ने मेरठ के IIMT से BJMC कोर्स किया है। उन्होंने वर्ष 2015 में बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इसके अलावा वो कई टीवी प्रिंट विज्ञापनों में भी काम कर चुकी है। अर्चना की पहली हिंदी फिल्म द ग्रैंड मस्ती थी। इसके बाद वो फिल्म हसीन पारकर, बारात कंपनी, जंक्शन वाराणसी में भी नजर आई थी। हिंदी फिल्मों के साथ उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया था। अर्चना ने बीते वर्ष ही नवंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। कांग्रेस पार्टी को बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना से काफी उम्मीदें थी इस चुनाव में, लेकिन योगी की सुनामी में बिकनी गर्ल भी कोई चमत्कार कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कर पाई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर कहा है कि ये जनता की जीत है और लोगों ने बीजेपी के विकास वाली नीति पर वोट किया है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में आए आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।